लोकसभा राज्यसभा के मिलाए के संसद बना है तो तीसरे विधानमंडल, तो विधानमंडल के जे भी मंत्री रहे विधायक रहे ओकर भत्ता ओकर पेंशन ओकर सुविधा राज्य सरकार तय करो। तो जब राज्य सरकार तय करो तो अगर हमनी राज्य सरकार में आवे है तो सबसे पहला काम करबे अपनी पेंशन बंद कर देबे। जैसे उदाहरण के लिए अभी जोगेंद्र बाबू हार गए, धमकी दे रहे ना रे, कैसन लोग ये अगले कौन नेता लगते धमकी दे रहे लो, रिकॉर्डिंग भी रखा लेना है बता देते ना, इतना तो दुष्ट नहीं होना चाहिए नेता सबके। हम लोग कितने लोग वोट नहीं दिले तो की ओकरा हम की कर ले, तोरा मार देबो तोर घर काम नहीं करबो, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा रहे जबकि हाँ तो ठीक है। तो कही ना कि तो मैंने की चाहे कि मैंने ओकरा कह दी कि आज के बच्चा कल के बाप लगे, बाप हमेशा बाप ना रहे, बाबा बने एक दिन फिर मर जाए। विधि के विधान के मान नहीं कि ना आज के बच्चा है कल के बाप लगे लगे ना, अब तो गजब बात बोल रहे हैं। जरा दो साल के लगे तो की कर जरा तो ही तो जब दूसरा साल तक अभी दूर हम छोड़ दे रहे हैं। निकल गया तो ठीक है, अगर हम योगेंद्र बाबू को हम संदेश देना चाहते हैं आप सुनेंगे मेरी बात को, ये कौन सा भाषा है कि जरा हम दो साल हुआ है हम चौदह साल से हैं। अरे भाई आपको मौका मिला, आपकी अर्धांगिनी को मौका मिला, तो इस तरह का नहीं कि हटा देंगे, देखिए वीडियो आपका ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है, बढ़िया नेता बनिए ना भाई। दादा फिर भी गोमिया में चोरी हो रहा है, चारों यही हम लोग के उलगाटा में खुला आती। अरे क्या करो ना, ये क्या आदमी है। हाँ तो जैसे हम बात कर जोगेंद्र महतो, जोगेंद्र महतो बात ही खातिर को हारल लगो, ये हारल से उदाहरण देना हो। जैसे जब जीतलो 2014 में, 14 जीतलो ना, तो एकरा मिले लगलो महीना, उस समय महीना हलो पता नहीं 2 लाख हतो की 1.5 लाख हलो, हमरा आइडिया ना उस समय के। ओकर बाद की भेलो, ई हार गेलो तकरा पेंशन मिल लगलो, यानी अभी पेंशन पाए रहे सॉरी जोगेंद्र बाबू जी हथो अभी पेंशन पाए रहे, यानी जीता लो तब महीना और हार गेलो तो पेंशन। अच्छा एक बात बताओ, ये बूढ़ा लोग लगे एकर कमी है तो काहे पेंशन भाई, इसलिए हमने अगर गवर्नमेंट में लिए तो ये सारा पेंशन बांध देना। ऊपर लोगियों को मिला है पेंशन, मैं उठिया में लगो एक दिन खातिर भी अगर विधायक भाई का तो अगर पेंशन मिलता है ऐसा ना, ठीक है सर ना नहीं मिलता पेंशन थोड़ा छोड़ दे दादा बजट रूप भी हां उठा कैसे कर ले, जैसे जैसा रिश्ता लगे लेकिन उठा नहीं गया ना, गलती हो गई। हां ऐसा नहीं गया तो सोच के देख ओकरो पेंशन ओकर अर्धांगिनी के पेंशन, तो हम इटा एड्रेस दे जा रहे कि मोटा मोटी अगर दू झन के यदि पेंशन बंद भई दले मान के चलो कितना और पेंशन कितना दले विधायक ऊपर भई लाख मोटा मोटी 1 लाख, तो मान के चलो अगर में अगर हमें 20-20 हजार करके एक नया रोजगार सृजन करवाए तो एगो विधायक से एगो पूर्व विधायक से 5 गो रोजगार, यानी केवल हमरा बुझाओ गोमिया से नया 10 गो लड़का के काम मिल जितले। तो ऐसा ऐसा हमरा बुझे हर एक सीट में 2 गो पूर्व विधायक है, हर एक सीट में, खाली डुमरी में हम ना रहते पूर्व विधायक को संसार में। ऐसे प्रार्थना दुआ दे प्रार्थना करे जहाँ रमतीन सान हो रहा है, बोकारो में पूर्व ना है ना, बेरमो में पूर्व है, गोमिया में चार गो, गोमिया बेरमो में तो खैर बेरमो में पूर्व भाई है, गोमिया में तो पूर्व भाई है, 4 गो है यानी 4 गो पेंशन धारी। बात को समझिए, यानी हर एक विधानसभा में विधायक तो है 3 लाख लेने वाले 81 गो, लेकिन जो जो हार गया है उन लोग भी पेंशन ले रहा है। तो अब सवाल रह गया उस पेंशन को बंद करके नया नया लड़का लोग को रोजगार का सृजन वहीं से होगा। अब सवाल है कि कैसे सृजन में, बहुत सारा ऑप्शन है, आइडिया लेके आना चाहिए, आइडिया नहीं अपने आइडिया खत्म है नहीं। अगर इनको पेंशन मिलेगा भी तो एक बात को हमने कहा, अगर 5 किलो 4 मिले तो वो सर्वे व्यवहार है कि उसके घर में हीरो होंडा बुलेट है कि नहीं है, दलान घर है कि नहीं है, 4 चक्का है कि नहीं है। तो हम भी जब विधायक जी 60 साल की उम्र को पार कर जाएंगे, जैसे जोगेंद्र बाबू चाहे लंबोदर बाबू कभी हार गए चाहे जो भी रहे, अगर जिस दिन ये लोग 60 साल की उम्र को पार कर देंगे हम वो टीम भेजेंगे, चाहे जो भी सरकार में वो टीम भेजेगी और वो टीम डिसाइड करेगी कि ये जो विधायक है पूर्व विधायक ये पेंशन पाने का हकदार है कि नहीं। कि गलत बोले, अरे भाई आप जब जांच है ना कि मेरा मैं हमको 5 किलो का 4 देने के लिए इतना मापदंड है आपके पास कि मेरा बाप का सर्विस नहीं होना चाहिए, मेरा घर में 4 चक्का नहीं होना चाहिए, मेरा घर में दलान छत नहीं होना चाहिए, मेरा घर में बुलेट नहीं होना चाहिए, है ना मापदंड। तो जब एगो 5 किलो के 4 दिए खातिर इतना मापदंड, तो 1 लाख टका पेंशन दबी मापदंड नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जे हार जीते ठीक है, जब ओकर 60 साल उम्र भई जाए, जैसे जोगेंद्र बाबू अभी हमरा 85 साल के आते हैं, जब ई 60 साल की उम्र पार भई जाए तब एकर घर एगो टीम जीते सर्वे करे कि हां फलाना महतो गो
गोमिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, धार में एक सर्वे भेत है, उस सर्वे के बाद तय भेत है कि पेंशन के लिए के हकदार रहते कि नहीं रहते। 7 साल के बाद देंगे पेंशन, आप राज्य की सेवा की है, ठीक है, अच्छी बात है, हम देंगे आपको पेंशन, लेकिन जब आप 60 साल क्रॉस करेंगे तब देंगे। अभी एक सर्वे करके अब जैसे अनूप सिंह एक पेंशन की जरूरत पड़ता है, ये लोग वो एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं, ये हारियों के लिए तो पेंशन जरूरत पड़ता है, आप बताए अगर हम पेंशन देंगे कहे खराब करवाए 1 लाख का, 300 करोड़ एक दिन कहे खराब करवाए, तो नहीं बताओ, तो एकर मतलब हो कि इस राज्य में खजाना की कोई कमी ना हो, बस लूटे वाला बहुत ज्यादा हो, लूटे वाले इतना ज्यादा हो, अब देखिए रहा अब तो प्रखंड लेवल के पदाधिकारी फुटानी नहीं कहा, जिला लेवल के पदाधिकारी तो छोड़ दी, प्रमंडल लेवल के पदाधिकारी तो छोड़ दी, स्टेट लेवल के पदाधिकारी छोड़ दी, प्रखंड लेवल के जो पदाधिकारी हो ओकर फुटानी और ओकर गौरव को नो ठेकान न कहे, कहे मालूम भाई सरकार लूट रहा है तो बाती गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं, तो इसलिए क्या चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। देखे इटा तो तुम्हें तो बात सही कहा है, पचपाती भाई रहा है, नो डाउट सही बात, हाँ अरे सब सही है बोला है, हम ना जाने की जनता के पास कभी कोई गलत न्यूज नहीं रहे, कल परसों का रत्ती मिलेगा आदमी का यही है, हाँ हाँ भाई वाह, हाँ सह खातिर का यो 24 में सब बदल, 24 में बदल बदल बदल, और जय मनमानी फुटानी करे वाला अधिकारी हारे मिलवाए रे भाई वाह, कहे बकास कसम से मिलवाए रे, तो सह खातिर गुरुजी कंट्रोल गुरुजी, तो सह खातिर तोहनी 24 में सदन में बदल, और बाकी अखने के चायल ढाल अखने के रहन सहन बदले के जिम्मा हमने पे छोड़ दे, ये जो मनमानी फुटानी करो ना, ये अधिकारी पदाधिकारी इगला इगला के सीधे हमने पोजेरो घड़ी का कर ले गुना तगला है, आ तो है गड़िया में पिछू भर ले भाई, और अखने के झुमरा के पहाड़ कहे